हमें ये स्मरण रखना होगा कि भारतीय समाज में कुछ मानव समूह ऐसे भी रहे हैं जिनको मंदिर के क्षेत्र में भी घुसने नहीं दिया जाता था। इनके ये यज्ञ, तप, जप, पूजा सभी वर्जित थे। समाज इन्हें साथ बैठने खाने की इजाजत नहीं देता था। इनके छूने से अन्न, जल, धरती, शरीर और वस्त्र तक अपवित्र हो जाते थे। ये स्थिति हाल तक बनी हुई थी और समाज आज भी इसकी छाया से पुनर्तः मुक्त नहीं हुआ है। महिलाओं के समस्त अधिकारों की हत्या हो चुकी थी। इन सब कारणों से समाज का एक बड़ा तबका धर्म के फल से वंचित था। इन सब ने बौद्ध धर्म को अपनी मुक्ति का मार्ग समझा और सरल होने के कारण इन्हें अपनाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बुद्ध का धर्म समाज के वंचित वर्गों के लिए एक वरदान के रूप में सामने आया। ये समानता और संगठन की तराजू में सबको समान महत्व देता था, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा जन जन में व्याप्त हुई। अपनी समानता के भाव के कारण ही बौद्ध धर्म ने भारत ही नहीं विश्व के समाजों को अपनी ओर आकृष्ट किया और यह आधी से अधिक विश्व में छा गया। चलो बुद्ध की ओर, मानव मानव एक समान, यही है बुद्ध की पहचान। सबका मंगल हो, सबका भला हो। नमो बुद्धाय।